अच्छा और बहुत ही इसका लाभ भी आप महसूस भी कर रहे हैं निरंतर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल एंड लेट्स स्टार्ट। सो हमारा आज का विषय जो है अंडरस्टैंडिंग कैलोरीज इन योर फूड। सो बहुत सारा जो है ज्ञान हमें आजकल फेसबुक, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स तरह तरह से हमें इतनी मतलब बम्बार्डमेंटमेंट ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन होती है कि कभी लगता है कि सभी लोग हेल्थ एक्सपर्ट सोचते हैं कि बनना कितना आसान है, इधर से नुस्खा लिया, इधर अप्लाई किया। बट यकीन मानिए ये जो बहुत सारी जो जानकारी होती है वो अक्सर बहुत ज्यादा भ्रमित करने वाली भी होती है, हमें जो है डाउट में डाल देती है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो उसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये समझना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भोजन के विषय में भी कैलोरी शब्द सबने सुना है, बट इसके ज्ञान के विषय में हो सकता है आप लोग बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत लोगों को थोड़ी शंका भी होगी। और जब बहुत तेजी से भूख लगती है तो उस समय जिसे कहते हैं कि कोई ज्ञान जो है कैलोरी वगैरह का एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द विंडो, उस समय हम सोचते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। अरे भाई एक जीवन मिला है, खाओ पियो मस्त रहो, तो उस तरह का एटीट्यूड हम कर लेते हैं। बट यकीन मानिए नॉलेज इज पावर। जब हमें सही जानकारी होती है किसी भी विषय के बारे में तो हमें सही निर्णय लेने में बहुत मदद मिलती है। आप तो इसीलिए सही नॉलेज नॉलेज इज पावर। तो आज विषय जो है कैलोरी है। अब कैलोरी का अर्थ क्या है? कैलोरी सबने सुना होगा, हम लोग आम भाषा में डाइट के संदर्भ में यूज करते हैं। तो कैलोरी जो है वो ऊर्जा नापने का पैमाना है। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। जो भी हम भोजन खाते हैं हमारे शरीर में जाता है, हमें कुछ ऊर्जा उससे मिलती है, उसके नापने के पैमाने को हम कैलोरी कहते हैं। अब जो कैलोरी है हमारे शरीर में, भोजन हमने खाया, उसका अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुआ और उसके फलस्वरूप हमारे को जो एनर्जी, जो ऊर्जा मिली, उसी को नापने का साधन कैलोरी है। अब हमारे भोजन में जो संतुलित भोजन है उसके 7 मेजर तत्व होते हैं। जो 7 तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। यदि हम संतुलित भोजन कहें कि भाई क्या है बैलेंस्ड मील, तो उसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, वाटर। तो इन 7ों में हमें जो कैलोरी मिलती है वो केवल मिलती है 3 तत्वों से, जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। यानी के 3 ऐसे जो तत्व हैं भोजन के, उन्हीं से केवल हमें जो है कैलोरी मिलती है। बाकी मिनरल से, विटामिन से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती। पानी चाहे आप जितना मर्जी पी लें, 0 कैलोरी। और हमें जो है खुज्जा, जो रफेज है, उससे हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती। वो हाँ हमारे आंतों में, हमारे मल को आगे पानी एब्जॉर्ब करके धकेलने में मदद करता है, लेकिन इससे कैलोरीज हमें नहीं प्राप्त होती। अब 3 ये मुख्य तत्व हैं जिनके द्वारा हमें जो है कैलोरीज प्राप्त होती हैं। अब जो प्रत्येक तत्व है, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम हमें जो प्रोटीन है उससे भी हमें 4 कैलोरी मिलती है। और 1 ग्राम अगर हम वसा या फैट अपने अंदर ले खाएं तो हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो 4 4 9, ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अब ये तो हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन हमारे शरीर को स्वाभाविक स्थिति में रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए, चाहे हम रेस्ट की पोजीशन में भी हो, तब भी हमारे शरीर में कैलोरीज
कैलोरी का व्यय या खर्चा होता है। क्यों? अपने हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, पाचन के लिए, निष्कासन के लिए, श्वसन के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए और सर्कुलेटरी, ऐसे सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है उनके लिए हमारे को हमारे शरीर में ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हम अगर हम लेटे हुए भी हैं तो भी हमारा शरीर निरंतर कैलोरीज बर्न करता है, तो जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और सबसे पहले हम ये समझ लें कि किस तरह से हम हमारी जो क्रिया है, जो हमारी गतिविधि है, कौन सी गतिविधि से कितना ज्यादा कैलोरी बर्न होता है। मान लीजिए कि हम लेटी हुई अवस्था में है तो हाफ कैलोरी पर मिनट हमारा जो है खर्च होता है। अगर हम उठ के बैठ जाए तो हमारा एक कैलोरी, एक से डेढ़ कैलोरी पर मिनट स्पेंड होता है, उसका खर्चा होता है। अगर हम खड़े हो जाएं तो दो कैलोरीज का खर्चा होगा। और अगर हम उठ के चलने लगे तो धीरे धीरे अगर चलेंगे तो तीन से चार कैलोरीज, थोड़ी सी अगर अपनी स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा जो है पांच कैलोरी प्रति मिनट का खर्चा होगा। और अगर ज्यादा तेजी से चलेंगे तो छह मिनट, छह कैलोरी प्रति मिनट हमारा खर्चा होगा। और अगर हम जॉगिंग करते हैं तो समझ लीजिए कि सात से नौ कैलोरीज हमारे प्रति मिनट का खर्चा होगा। इसी प्रकार से हम जैसे कि कोई भी गतिविधि का सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कौन सी एक्टिविटी में हमें किस तरह से हमारी जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो हमारा जो है एक से डेढ़ कैलोरीज पर मिनट का एक्सपेंडिचर होगा। यदि हम बैडमिंटन खेल रहे हैं तो हमारा समझ लीजिए कि छः सात आठ, क्योंकि बैडमिंटन में हम खड़े भी होते हैं और थोड़ी देर भागते भी हैं, तो इस तरह से छः से आठ कैलोरीज हमारा प्रति मिनट का खर्चा होता है। तो इस तरह से अगर हम नॉर्मल स्पीड पे वॉक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हम सैर करने जाते हैं और हमारी स्पीड नॉर्मल है तो वो पांच कैलोरीज प्रति मिनट का हमारा बॉडी जो है कैलोरी बर्न करती है। पांच मिनट प्रति मिनट और आधा घंटा हम चलेंगे तो कितनी कैलोरी हो जाएगा, 150 कैलोरी। तो हम आधा घंटा अगर वॉक करते हैं नॉर्मल स्पीड पर तो हमारा जो है कैलोरी का व्यय होता है 150 कैलोरीज। अच्छा, बैठे हुए भी हम आधा घंटा 50 कैलोरी स्पेंड करते हैं, उस 50 कैलोरीज का एक्सपेंडिचर होता है। और जब हम नॉर्मल स्पीड में चलते हैं तो 150 कैलोरी का एक्सपेंडिचर होता है। तो यानी कि हमने 100 कैलोरीज जब हम वॉक कर रहे हैं तो हमने एक्स्ट्रा बर्न करी। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया कैलोरी, हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज में हम किस प्रकार से कैलोरी स्पेंड करते हैं। अब हम जानते हैं कि भोजन में हमें एक बात और बताना चाहूंगी कि जैसे जिनको वजन घटाना होता है तो उसका जो नियम होता है कि आपको जितनी कैलोरी आप मुंह के द्वारा भोजन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गुलाब जामुन खाया, आप जानते हैं एक गुलाब जामुन में आपने 300 कैलोरीज अपने अंदर डाल ली। और देखिए एक गुलाब जामुन खाने में कितना समय लगा और आपके भीतर 300 कैलोरी, जबकि आपकी कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको आधा घंटा चलना पड़ेगा तो जाके आपकी 150 कैलोरीज बर्न होगी। तो यदि कोई व्यक्ति अपना वजन घटाना चाहता है तो जो अपने मुंह में हम कैलोरीज जिन भोजन द्वारा डालते हैं हमें पता नहीं चलता, छोटी छोटी चीजों से ही हमारे इतनी इतनी ज्यादा कैलोरीज हमारे भीतर चली जाती है। और हम जो है एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी का लेवल हमें पता होगा कि भाई कितनी से हमारा बर्न होगा, तो सीधा साधा जो गोल्डन रूल होगा वो ये होगा कि आपको अपने भीतर ले जाने वाली कैलोरी को तो कम करना है और बर्निंग यानी कि जो आपकी एक्टिविटी है उसको आपने जो है तेज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 250 कैलोरीज अपने भोजन में से नियमित घटा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने तीन चार चपाती खाते थे, एक दो चपाती कम कर दी,
अपनी और भोजन की कुछ चीजें कम कर दी, तो आपका डेली अपने इनटेक में से आपने 250 कैलोरी तो वो घटा दी, और 250 कैलोरी आपने क्या किया, अपने वॉक, योगा या कोई और एक्टिविटीज द्वारा बर्न करना शुरू कर दिया, तो आपके डेली इनटेक में से 500 कैलोरी की घट जाएगी मात्रा, क्योंकि आपने भोजन से भी घटाया इनटेक और आपने कैलोरीज बर्न भी करी। तो यानी कि अगर 500 कैलोरीज पर डे आपका जो है रिडक्शन होता जाता है, तो हफ्ते में कितना हो गया, 3500 कैलोरीज, और ये 3500 कैलोरीज जो है आधा किलो वजन घटाने में सहायक होता है। तो यानी कि अगर एक हफ्ते में आपने आधा घंटा आधा किलो वजन जो है घटाया, तो वो सेफेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द वेट है, क्योंकि आप ये जानेंगे कि जितनी तेजी से लोग जैसे VLCC या बड़े सारे मशीनों द्वारा जो वजन घटाते हैं, तो वो मुड़ के दुगनी स्पीड से आपका जो है वेट एक्यूमुलेशन हो जाता है, जबकि अगर आप स्लो एंड स्टेडी प्राकृतिक तरीके से इस तरह से हाफ kg पर वीक अगर रिड्यूस करते हैं, तो दैट डज नॉट कम बैक, वो वापस से आपको जो है दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा। अब जो है ये मूलभूत सिद्धांत है, यदि कोई वजन घटाना चाहता है तो उसको जो है इनटेक कम करना पड़ेगा और बर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसके विपरीत अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, अपना जो है कैलोरी बर्निंग कम करेगा और भोजन की मात्रा को बढ़ाएगा, तो इस तरह से उसका जो है वजन बढ़ता जाएगा। तो ये सिद्धांत समझ लिया। अब हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और मोस्ट कंफ्यूजिंग लोगों को जो लगती है कि कैसे जाने कि किस भोजन में कितनी कैलोरीज है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जीरो कैलोरी से। जैसा कि मैंने कहा कि जो पानी है हमारा क्या कहते हैं, पानी में जीरो कैलोरीज होती है, आप जितना मर्जी पानी पिए आपके शरीर में कैलोरीज नहीं जाएंगी। अब आते हैं हम 20 कैलोरीज पर, समझ लीजिए 20 रुपए का नोट, 20 कैलोरीज। देखिए मेरे हाथ में ये मैं टमाटर, इसे मैंने वे किया, वजन किया है, इसका वजन 100 ग्राम है, ठीक है, ये वेइंग स्केल मेरे पास रखा हुआ है, 100 ग्राम का ये टमाटर है। अब इस 100 ग्राम के टमाटर में 90% वाटर है, बचा 10%, 10 ग्राम, 10 ग्राम में से 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए और 5 ग्राम रफेज और बाकी सारी जो चीजें मिलाकर, तो 5 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और अभी हमने पहले बताया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी कैलोरी मिलती है, 4 कैलोरीज। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी मिलती है, तो ये जो हमारा टमाटर में जो 5 ग्राम की कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे हमें मिलेगी 20 कैलोरीज। तो ये 20 रुपए का नोट बन गया हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं खीरे पर, जैसे कि ये खीरा, इसको मैं अगर मैं आधा कर दूं, ये देखिए, तो ये 100 ग्राम का खीरा है, ठीक है, 100 ग्राम के इस खीरे में वही आप मोर देन 90% इसमें वाटर है, और लगभग रफेज और वो सब निकाल के तो इसमें 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, बाकी चीजों को निकाल के, तो कितनी कैलोरी हुई, 16 कैलोरीज। तो लगभग ये मान ले कि ये जैसे कि ये खीरा है, टमाटर है, प्याज है, यानी कि जितनी भी सब्जियां हैं A to Z, चाहे वो 100 ग्राम आपने तोरी खाई, टिंडा खाया, कुंदरू खाया, या कोई भी वेजिटेबल या सैलेड या सूप, जो भी अगर आप 100 ग्राम का सेवन करते हैं, तो आपको कैलोरी मिलती है 20 कैलोरीज। तो ये 20 रुपए का नोट, जीरो से शुरू हुए हम, वाटर में कोई कैलोरी नहीं, 20 रुपए का नोट। अगला चलते हैं फलों पर, यानी कि आप ये दिमाग में अपना बिठा लीजिए कि सब्जियां चाहे किसी भी प्रकार की आप खाएं, उसका कैलोरी जो आपको मिलेगा वो 100 ग्राम
प्रति जो सब्जी खाएंगे बिना तेल का, ये नहीं कि तेल में बनी हुई, मैं कच्ची रॉ सब्जी जो 100 ग्राम है, सैलेड ये इस तरह से, या सूप, या बिना तेल के पकाई हुई, तो उसमें आपको 20 कैलोरीज मिलेंगी। अब चलते हैं फलों पर। फल जैसे कि एक सेब को मैं हमने देखा 200 ग्राम का लगभग वो वेट किया तो सेब था, तो उसमें से आधा काट दिया तो 100 ग्राम, और बाकी उसका एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस करके हमें ये पता चला कि उसके जो अंदर है वो कैलोरीज जो है लगभग 50 कैलोरीज उसके अंदर पाई गई। तो यानी कि फलों की जो कैटेगरी है, चाहे आप 100 ग्राम का कोई भी फल ले ले, चाहे वो सेब है, चाहे वो नाशपाती है, चाहे वो अमरूद है, चाहे कोई भी खरबूजा है, तरबूज है, आपने यदि 100 ग्राम का वो फल खाया तो आपको कैलोरीज मिलेंगी 50। तो यानी कि 20 का नोट समझ आ गया, 50 का नोट, ये है हर फल 50 का नोट, यानी कि जो फल खाएंगे उसके अंदर आपको 50 कैलोरीज मिलेंगी। इसके बाद अब आते हैं 100 रुपए के नोट पर। 100 रुपए का नोट यानी कि देखिए, ये चपाती है मेरे पास, एक चपाती, इसको मैंने वजन किया, नॉर्मल साइज चपाती, इसको वजन किया तो इसका टोटल वेट था 35 ग्राम। तो 35 ग्राम में 10 ग्राम अगर आप पानी को निकाल दीजिए आटा गूंदने के लिए, तो आटा हुआ इसके अंदर 25 ग्राम, और आटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट पर ग्राम में हमें मिलती है 4 कैलोरीज, तो 25 × 4 तो 100 कैलोरीज, एक चपाती से आपको 100 कैलोरीज मिलती है। अच्छा, ये जो चपाती है ये चाहे आप बेसन की बनाएं, चाहे रागी की, चाहे ओट की, चाहे ज्वार की, चाहे बाजरा की, किसी भी प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट जो अन्न श्रेणी में है, तो आपको एक चपाती जो मीडियम साइज है जैसे कि मैंने आपको दिखाई, उसमें आपको कैलोरी मिलेगी 100। अच्छा, इस 100 रुपए के नोट में हमारे, अगर हम 100 ग्राम चावल लें, 100 ग्राम चावल कुक्ड, उसका मतलब है कि जो कच्चे चावल है वो 25 ग्राम होते हैं, जो कि बन के कटोरी में 100 ग्राम हो जाते हैं क्योंकि पानी वगैरह उसमें डल के, तो 25 ग्राम चावल में भी 100 कैलोरीज होंगी जो बन के 100 ग्राम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये पाएंगे कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो अन्न श्रेणी के हैं, चाहे ज्वार, बाजरा, आटा, बेसन, रागी और सूजी, मैदा, इसके 100 ग्राम के सेवन से आपको जो है 100 कैलोरीज प्राप्त होंगी, चाहे वो, और इसी श्रेणी में चावल भी आते हैं और इसी श्रेणी में दाल भी आती है। अगर आपने 25 ग्राम दाल ली, वो गाड़ी दाल बन के 100 ग्राम की मान लीजिए एक कटोरी में बन के तैयार होती है, तो उसमें भी आपको जो कैलोरीज है वो आपको 100 मिलेंगी। तो यानी कि चाहे वो दाल है और चाहे रोटी है, चावल है, ये सारे के सारे कितने 100 रुपए का नोट हो गया। तो आपके पास 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, और ये हो गया 100 रुपए का नोट। 100 रुपए के नोट के बाद अभी जरा बड़े नोट बाकी है, तो चलते हैं हम 500 रुपए के नोट पे। 500 रुपए के नोट पे जैसे कि मैंने बताया कि एक गुलाब जामुन का वजन जो होता है 50 ग्राम होता है। अब इस 50 ग्राम के गुलाब जामुन में मैदा, चीनी होता है जो कार्बोहाइड्रेट का अंश है, जो 4 कैलोरी पर ग्राम देता है, और उसमें हमारे जो है खोया है, और उसमें घी है जो 9 कैलोरीज, तो अगर एवरेज निकाल ले तो 6 कैलोरीज पर ग्राम, तो 6 × 50 300 कैलोरीज हमें जो है गुलाब जामुन से मिलती है, और अगर हम इनके 2 कर ले तो 600, तो रफली मान लीजिए कि 500, अगर 100 ग्राम आपने जो है गुलाब जामुन खाते हैं तो आपको 500 रुपए का नोट। इसी प्रकार से कोई भी जो नमकीन है, फ्राइड आइटम्स हैं, समोसे, पकौड़े, और क्या कहते हैं, भुजिया, नमकीन, फ्राइड पीनट्स, फ्राइड जितने भी नमक बाजार में, अगर आपने वो 100 ग्राम यानी कि
हर प्रकार की मिठाई, हर प्रकार का तला भुना नमकीन और भुजिया इत्यादि आपने 100 ग्राम यदि खाई तो आपको मिलेंगे 500 कैलोरीज। ये 500 कैलोरीज याद रखिएगा अगली बार भुजिया का पैकेट उठाते समय। तो 500 कैलोरीज यानी कि 500 रुपए का नोट आपके भीतर। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम 1000 रुपए के नोट पर। 1000 रुपए का नोट मतलब अभी हमने पहले चर्चा की कि हमने अगर 1 ग्राम वसा या फैट का सेवन किया तो हमें कैलोरीज मिलेंगी 9। तो यदि हम 100 ग्राम प्योर जो घी ऑयल अगर कंज्यूम करते हैं तो हमें 900 कैलोरीज, सीधा 1000 कैलोरीज हमें मिलती हैं। तो ये हो गया, यानी कि जो भी फैट है, जितने भी प्रकार का, चाहे वो किसी भी प्रकार का तेल है या फैट है, वो प्योर जो है हमारे को 1000 रुपए का नोट है, याद रखिए। तो इस तरह से आपके पास 0 या 1 रुपी मान लीजिए पानी को, चलो 1 कैलोरी दे देते हैं, 1 से हम शुरू किया हमने और उसके बाद आए हम 20 रुपए, 1 रुपए का नोट पानी, 20 रुपए का नोट सभी प्रकार की सब्जियां और 100 ग्राम की क्वांटिटी की अगर सब्जी हम खाते हैं तो हमें 20 रुपए का नोट याद रखिए। उसके बाद कोई भी फल खाते हैं हम, 100 ग्राम की क्वांटिटी खाई तो हमें मिलेगा 50 रुपए का नोट, 50 कैलोरीज। इसके बाद आइए 100 रुपए का नोट, जो भी अन्न रोटी चावल दाल 100 ग्राम खाया आपको मिले कितनी कैलोरीज, 100 कैलोरीज, ये है 100 रुपए का नोट। उसके बाद 500 रुपए का नोट, यानी कि कोई भी मिठाइयां, तली भुनी नमकीन, भुजिया सेवैया और जो भी प्रकार का नमकीन, वो आपको देगा 500 रुपए। 500 रुपए की कैलोरी मतलब 500 रुपए का नोट का मतलब 500 कैलोरीज। और कोई भी फैट अगर आप जो है कंज्यूम करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो देसी घी की फॉर्म में है, चाहे किसी ऑयल की फॉर्म में है, चाहे वो कितना ही मार्केटिंग वर्ल्ड क्लेम करे कि ये हेल्दी फैट है, लेकिन उससे कैलोरीज आपको मिलेंगी 1000 कैलोरी 100 ग्राम फैट में, ठीक है। तो ये तो अब आप समझ गए, आपको ये समझ आ गया कि कितने भोजन के किस पदार्थ में कितनी कैलोरी है। आपको ये पता चल गया कि आपकी कौन सी एक्टिविटी से कितनी कैलोरी आपकी खर्च हो रही है। तो अब ये निर्णय आपके हाथ में है। मेरे पास एक पेशेंट आए, बोले डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही आसान आपने तरीका बता दिया, अब मेरे दिमाग में मैंने तो सोच लिया है कि जितनी भी मुझे जो पेट भरना है अपना, वो मैं फलों से सब्जियों से इस तरह से करूंगा तो फिर मेरा वजन बढ़ेगा ही नहीं। और उस व्यक्ति ने 6 महीने में 35 किलो वजन घटाया। तो ऐसे ऐसे हमारे को अद्भुत नतीजे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बड़ा सिंपल और साधारण कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसमें ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि आपको सुबह उठ के, जैसे कि मैंने अपने ग्रुप में भी 7 दिन का डाइट प्लान डाला है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फल, क्योंकि कितने फल खाइए, भर पेट खाइए, आपकी कैलोरीज आपका वजन फल कभी नहीं बढ़ा सकते। और ये भी एक बात याद रखिए, अब तो शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये रिसर्च हो गई है, जितना मीठा फल उतना उनकी शुगर मेटाबोलाइज होगी। तो आप खूब दबा के आम खाइए, केले खाइए, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, और 12 बजे तक 600-700 ग्राम से 1 किलो तक जितना फल खाना है। अब आप देख रहे हैं आपका पेट भी भर रहा है, आपको ऊर्जा भी मिल रही है फलों से, आपकी पाचन शक्ति भी कम हो रही है और आपका वजन भी घट रहा है। और अपने भोजन में आपको फैट कम करना है ताकि आपका ना तो वजन बढ़े ना आपके हार्ट प्रॉब्लम हो। और इसी तरह से आपको जब लंच करना है, डिनर करना है, तो उससे पहले भर पेट आपको सलाद, कच्ची सब्जियां, क्योंकि जस्ट सब्जियों से अभी हमने जाना, जस्ट 20 कैलोरी, 100 ग्राम आप खाएंगे तो आपको कुल 20 कैलोरीज ही मिलेंगी। तो भर प्लेट
भोजन से पहले खूब सारी सैलेड खाइए और उसको खाने के बाद ही अपना जो मेन कोर्स है, रोटी सब्जी दाल और चावल, जो भी आपका मनपसंद है, मैं खाने को मना नहीं कर रही, लेकिन इस क्रम को ध्यान रखिए कि पहले वो, उसके बाद अपना सामान्य भोजन, कम घी तेल में पका हुआ, क्योंकि देख लीजिए जी, 1000 रुपए का नोट है सबसे ज्यादा, तो 1000 की तरफ तो मेरे ख्याल से देखना ही नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल बिना तेल घी के कोशिश करनी चाहिए कि भोजन करे, ताकि ना तो वजन की समस्या हो, ना आपको हार्ट की समस्या हो, और एक्टिविटी लेवल आपको खूब सैर करें, जॉगिंग करें, योग करें, प्राणायाम करें, ताकि आपकी जो संचित ऊर्जा है, कैलोरीज है, वो बर्न हो। तो ये बड़ा सीधा साधा सा नियम है और इसका पालन करें। और अब इतने सरल शब्दों में मैंने आपको 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट आपको समझा दिया है। अब इसे अपने जीवन में लागू करें और आप देखेंगे कि जिनका बढ़ा हुआ वजन है वो बड़ी तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। कई लोग हैं हमारे पास आते, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा वजन घट नहीं रहा, हम क्या करें। और मैं देखती हूँ कि वो लोग रोटी चावल नहीं छोड़ पा रहे। तो देखिए ना, आपके सामने मैंने बताया 100 कैलोरीज एक सिंपल चपाती में। तो अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो वो जो 100 रुपए का नोट है, वो जो 500 रुपए का नोट है और वो 1000 रुपए का नोट है, इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप वजन घटाने का सोच सकते हैं। और सभी रोगों से, ना केवल वजन, बल्कि इस तरह से ज्यादा ज्यादा सेवन अगर आप उसका करेंगे, फलों का, सब्जियों का, स्प्राउट्स का, अपने दैनिक जीवन में, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का रोग आपके निकट फटक सकता है। तो देखिए, आज की चर्चा मैं यही समाप्त करती हूँ, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछे। और मैं, जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला 12 बजे तक फल खाने हैं, जी हाँ, अगर सपोज आपको डिनर खाने का मन नहीं है और लग रहा है फल ही खा लो, तो वो खा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल, तो फल खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फल ऐसी चीज है कि आप कभी भी खा सकते हैं। अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि कई लोग कहते हैं रात को फल ठंडा होता है, हजम नहीं होता। ये सारी, मैं कह रही हूँ ना कि ये ज्ञान बहुत फैला हुआ है, लेकिन करेक्ट ज्ञान को समझिए, जो साइंटिफिक नॉलेज है और सही जानकारी है, उसका आप प्रयोग करें और उसी से अपना निर्णय लें, करेक्ट निर्णय। जी हाँ डॉक्टर साहब, कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है? कैलोरी एक व्यक्ति को 1600 कैलोरीज पर डे, एक जो सामान्य व्यक्ति सिडेंट्री लाइफ जीता है, ऑफिस जाता है, वहां बैठे बैठे काम करता है, तो उसकी पर डे की रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरीज है केवल। अगर कोई मजदूर है, उसकी 2500 से 3000 जो मेहनत करता है, खुदाई करनी है, उसको पत्थर उठाने हैं, तो उसको जो है 25 से 3000 की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन आप और हम जैसे लोग जिनकी सिटिंग जॉब है, हमारी सारा दिन में कितनी फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो उसमें 1600 कैलोरीज पर डे इज इनफ, राइट? ओके जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब नमस्कार, विपिन गुप्ता बोल रहा हूँ जी। नमस्कार सर, बताएं सर। रात को खीरा खा सकते हैं? जी हाँ, फल और सब्जी, जी 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 बिल्कुल, क्योंकि डिनर में भी मैं यही प्रिस्क्राइब करती हूँ कि आपको पहले भर पेट सलाद खानी है। सबसे पहले 300-400 ग्राम तक खाइए, आप जितने सैलेड खा सकते हैं खाइए, उसके बाद मेन कोर्स पे आइए। तो ये जो टाइम का कंसेप्ट है, ये जो बहुत सारी भ्रम हमारे दिमाग में, उनको जरा निकाल भार कीजिए, और ये इस पैटर्न पर आप कुछ दिन चलकर तो देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप खुद अपने साथ इसको एक्सपेरिमेंट करें और नतीजा आपके सामने होगा, राइट? नमस्कार डॉक्टर साहब, दही के बारे में बता सकते हैं? दही कितना खाना चाहिए, दही में कितनी कैलोरीज है? दही तो मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कहती हूँ कि अभी थोड़ा सा जो है उसको डाउन साइज पे रखिए, और आगे आने वाले सेशंस में मैं चर्चा करूंगी कि सोयाबीन का दही, मूंगफली का दही, दूध का दही, इस तरह से प्लांट बेस्ड। देखिए
अगर आप रोगी हैं, देखिए इस दुनिया में आज के प्रेजेंट दौर में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति हेल्दी है जो कह सके कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बहुत रेयर होगा। तो हमें जो है पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना है। मैंने अपने भोजन में ये कहा है कि जो पैकेज्ड गुड्स हैं, एनिमल गुड्स हैं, और साथ साथ एनिमल गुड्स में मिल्क प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो आई से कम्प्लीटली नो नो टू देम। बट जो लोग नहीं रह सकते, देखिए अब अगर कोई इतना शौकीन है कि उसका जो है डिप्रेशन में ही आ रहा है, खाते समय उसका जो है मूड ही डाउन हो गया, तो जितना खाएगा वो भी नहीं लगेगा, तो उसकी संतुष्टि के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि भाई आप थोड़ा सा दही आप जो है खा सकते हैं। उसका भी वही सिद्धांत होगा कि दूध में जैसे कि काउ मिल्क में आपको 100 ग्राम 250 ml में आपको 108 कैलोरी मिलती है, तो उसका दही भी हिसाब लगा लीजिए। अच्छा, जो भैंस का दूध है उसमें मैं बताती हूँ लगभग 242 कैलोरीज होती है 250 ml, यानी कि 250 ml आपने दूध लिया एक ग्लास, उसमें कैलोरी मिलेगी 242। अब उसी से आप दही का अंदाजा लगा लीजिए। और अगर स्किम्ड मिल्क, जो बिल्कुल नॉन फैट मिल्क है, 100 ml लेते हैं, तो उसमें 108 कैलोरीज मिलती हैं। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा शौकीन है तो गो फॉर द हेल्दी ऑप्शन, स्किम्ड मिल्क का लीजिए, थोड़ी कम कैलोरी जाएगी और आपकी आत्मा की भी संतुष्टि हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जी बताएं जी मैम, कहीं आके वेट आपका कॉन्स्टेंट हो जाता है? अरे कहीं मतलब आप सारा फॉलो कर रहे हो, आप डाइट फॉलो कर रहे हो, ये आवाज कट रही है, प्लीज दोहराएं दोबारा, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं ये कह रही हूँ अगर कोई करने की जरूरत नहीं है, अभी आवाज कट रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज रिपीट करें क्वेश्चन। कुछ कनेक्टिविटी इश्यू है इनका जो कि समझ नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर साहब, रिटायर्ड पर्सन जो घर रहते हैं उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? वही आप 16 से और कम कर दीजिए, क्योंकि 1600 वाला तो फिर ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में काम तो कर रहा है कुछ जो घर है। या फिर हाँ, अगर ये एक और बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च ये हुई थी कि 3 फैमिलीज को स्टडी किया गया था। एक फैमिली तो डेली वर्कआउट कर रही थी और एक फैमिली जो है क्या कहते हैं सिडेंट्री, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी, और एक फैमिली घर के काम कर रही थी। तो सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न जानते हैं आप, गैस करिए किसका कैलोरी बर्न सबसे ज्यादा हुआ था? देखिए मैंने जो 3 फैमिली बताई, एक तो रेगुलर वर्कआउट कर रही थी खूब एकदम से जिमिंग वगैरह, एक फैमिली कर रही थी कोई काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल बैठे रहते थे, और एक फैमिली घर के सारे काम, झाड़ू पोछा और सारा जो घर के काम होते सारा दिन, ओवर द एंटायर डे स्प्रेड वर्क। तो आप गेस करिए कि सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न किसका हो रहा था, कौन सी फैमिली का? जो घर में काम करता है। यस, आपने बिल्कुल, जी हाँ, क्योंकि वो कांस्टेंट काम थ्रू आउट द डे आप करते रहते, थोड़ा थोड़ा जिमिंग तो गए भाई 1-2 घंटे कर लिया, और तो इस तरह से यदि रिटायर्ड